हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप दोस्तों। मेरी आज की वीडियो एक रेयर टॉपिक के ऊपर है और जिसकी वजह से कुछ लोग ये समझते हैं कि इसका कुछ नहीं हो सकता, मतलब वो डिसहार्ट हो जाते हैं। उनके माइंड में ये होता है कि इस प्रॉब्लम का कोई सलूशन नहीं है। हालांकि ऐसी बात नहीं है, बल्कि मैं आपके साथ एक रियल स्टोरी शेयर करना चाहूंगी जो कि मेरी अपनी कज़न की है। आप यकीन करें कि जो मेरी कज़न है उसका जो नाक था बहुत चिपटा हुआ था और इसी बात को लेकर वो बहुत ज़्यादा उसे शर्मिंदगी का सामना करना पड़ता था। तो उसके लिए क्या होता था कि वो YouTube पर ना रेमेडीज ढूंढ रही होती थी। आप खुद भी देखें, YouTube पर कुछ भी लिखेंगे ना, सर्च करेंगे, आप खुद देखेंगे कि लिखा आ जाएगा कि ये रेमेडी लगाओ, नाक आपका ऊंचा हो जाएगा, नाक खड़ा हो जाएगा। एक कॉमन सेंस है कि हम किसी भी निशान को ख़त्म करने के लिए, किसी भी दाग को ख़त्म करने के लिए कोई भी रेमेडी, कोई पैक तो लगा सकते हैं, लेकिन अब हमने अपने नाक को, चिपटे नाक को खड़ा करने के लिए कोई पैक नहीं लगा सकते। क्योंकि अब सब लोग जानते हैं कि किसी भी चीज़ को हम लगाएंगे तो क्या हमारा नाक ऊपर उठ जाएगा, क्या हमारी नाक की हड्डी थोड़ी ऊपर हो जाएगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता, बस बेवकूफ़ बनाने के तरीके होते हैं और कुछ नहीं है। तो जी, फिर एक ऐसा सलूशन मिला, एक ऐसा हल मिला जो मेरी कज़न ने किया। आप यकीन कीजिए, उसका नाक 50% तक बहुत अच्छा हो गया। अब मैं आपसे यहाँ एक और बार शेयर करती हूँ। आपने बहुत से एक्ट्रेसेस को देखा होगा, बहुत से सेलिब्रिटीज़ को देखा होगा जिनके जो नाक थे, कुछ अर्सा पहले पीछे जाओ तो उनकी मूवीज़ वगैरह, उनके ड्रामेज वगैरह देखो तो उनके जो नाक मोटे मोटे चिपटे चिपटे उनकी शेप थी, और अब देखा इतने खूबसूरत शेप में आ गए हैं, मतलब कि उन्होंने सर्जरी करवा लिया। अब सर्जरी वही लोग करवा सकते हैं, बाकी लोग तो सर्जरी नहीं करवा सकते। सेलिब्रिटीज सर्जरी करवा सकते हैं, अपनी वो शेप को चेंज कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं आपसे बात शेयर करती जाऊँ कि हम किसी रेमेडी के जरिए अपने नाक की शेप को नहीं बना सकते, मतलब कि हम अपने नाक को इस तरह खड़ा नहीं कर सकते कि ये पैक लगाए तो नाक खड़ा हो गया, वो पैक लगाए तो नाक खड़ा हो गया। तो जी, मैं अपनी कज़न की बात बता रही थी, तो उसने फिर ये एक एक्सरसाइज, किसी ने बताया कि ये शुरू करें तो नाक लंबी हो सकती है, नाक जो चिपटी नाक है वो शेप में आ सकती है। तो जी, आप यकीन कीजिए, उसने ये शुरू किया, मतलब कि 1 से 2 महीने में ही इतना ज़्यादा फ़र्क कि हम खुद हैरान रह गए। तो जी, आज की इस वीडियो में आपसे सिंपल सी रेमेडी, बहुत सिंपल सी एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ जिसको करके आप अपने नोज़ को शेप में ला सकते हैं। अगर आपकी नोज़ फैली हुई है, मोटी सी है, बहुत शेप में आ सकती है, यकीन कीजिए। तो वो एक्सरसाइज मैं शेयर करने वाली हूँ जो मेरी कज़न ने की थी, अब मैं आपके साथ वो एक्सरसाइज शेयर करने वाली हूँ। अच्छा जी, आपने ये एक्सरसाइज ना दिन में आप 5 से 6 टाइम ज़रूर कीजिए। ये नहीं आपने करना कि दिन में एक बार करनी है फिर नेक्स्ट डे, बिल्कुल भी नहीं। आपने बल्कि इस एक्सरसाइज को दिन में 4 से 5 टाइम ज़रूर करनी है, मतलब कि जब आप फ्री हो, जब आपके पास टाइम हो, आप इस एक्सरसाइज को करने बैठ जाएं। बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है, बहुत ज़्यादा कमाल है, बहुत अच्छे इसके आपको रिजल्ट मिलने वाले हैं। सबसे पहले आप कोई ऑयल ले लीजिए, आप इसके लिए कोकोनट ऑयल है वो अच्छा होता है, कोई भी आपके घर में ऑयल मौजूद है आप उसकी हेल्प से कर सकते हैं। बिल्कुल आपने फिंगर टिप पर हल्का सा ऑयल लेना, बहुत ज़्यादा नहीं आपने लेना, बिल्कुल आपने हल्का सा ऑयल लेना है, अपने फिंगर टिप पर रखना है, ये ना कि हड्डी यहाँ से आपने यूँ दबाना है। ये 2 फिंगर मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी इस एक्सरसाइज के लिए, ये फिंगर और ये अंगूठा, दो थंब, इन दो फिंगर की हेल्प से आपने करना है। आपने इसको यहाँ यहाँ प्रेस करना है, इस हड्डी को ऊपर लेके आना है, और जो ये हमारी साइड नोज की होती है यहाँ से आपने इसको यूं दबाना है, यूं करके, यूं, मतलब कि 6-6 7-7 एप्लीकेशन आपने देनी है, यानी कि 6-7 टाइम इधर, 6-7 टाइम इधर, 6-7 टाइम इधर, ये आपने करना है। दूसरा तरीका आपने ये करना है, दोनों फिंगर ले ली, दोनों हाथ की दोनों फिंगर आपने लेनी है, इसी तरह आपने करना है जिस तरह हमने इस फिंगर से किया था। ये 2 फिंगर आपने लेनी है, यूं करके यूं लेके आना है, फिर आपने यूं जोर से करना है, जोर से दबाना है, यूं हड्डी से ऊपर उठाना है। ये हो गया, बस ये 2 एक्सरसाइज आपने करनी है, और हड्डी पे आपने वज़न डालना है, और ज़्यादा प्रेस आपने हड्डी पे नहीं करना। आपने ना जो आपके ये हिस्सा होगा ना, जो स्किन वाला, नोज का स्किन वाला हिस्सा होता है, आपने यहाँ जोर जोर से यूं करना है, यूं करना है, यूं जोर जोर से, इन फिंगर की हेल्प से स्किन वाला हिस्सा, हड्डी से नीचे वाला, उसे आपने यूं दबाना है, यूं। बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज अच्छी है, बहुत ज़्यादा इसको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, बिल्कुल शर्माने की जरूरत नहीं है। अच्छा जी, मैं आपको अब बताती जाऊँ, आप ज़रूरी नहीं कि हर टाइम में आप तेल का इस्तेमाल करें, ऑयल का इस्तेमाल करें। आप जिस टाइम आप बैठी हैं, जैसे आप फ्री हो गई हैं, अपने फिंगर टिप की हेल्प से अपने नोज को दबाती रहें, यूँ दबाती रहें। जब आपके पास टाइम है आप अपने नोज को दबाती रहें, आप देखेंगे 1 महीने के अंदर ही आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क देखने को मिलेगा। बस मैं आपको ये कहूँगी, नोज को लंबा करने के लिए, शेप में लाने के लिए रेमेडी ऐसा नहीं कर रही होती, इसके लिए एक्सरसाइज बेस्ट होती है। तो जी, ये वो एक्सरसाइज थी जो मेरी कज़न ने की और मैंने आपसे शेयर कर दी। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी तो एक लाइक ज़रूर दीजिएगा। अपना ढेरों ख्याल रखिएगा, मैं मिलूंगी फिर किसी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।